हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे फोर बी इंजीनियर चैनल पे। सो गाइस, बायोलॉजी 7:30 बज रहा है और 7:30 बजे आपको रोज थर्सडे से सैटरडे रोज 7:30 बजे शाम को आपको बायोलॉजी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलेंगे हमारे चैनल पे। गाइस, जैसे कि आप जानते हो, हमारे चैनल पे मैकेनिकल से रिलेटेड हर एक चीज अवेलेबल है। आप कॉलेज लेवल की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, हर चीज़ हमारे चैनल पे मैकेनिकल से रिलेटेड मिल जाएगा। तो अगर आपके कोई फ्रेंड, आपके जान पहचान के मैकेनिकल के भाई लोग हो, उनको हेल्प करना, तो हमारे चैनल के बारे में जरूर सजेस्ट करें। आपको यहाँ जॉब अपडेट तक अवेलेबल है। तो चलिए गाइस, आज बायोलॉजी का चैप्टर दैट इज लेक्चर वन, और इस लेक्चर वन में जो सबसे पहला है सेल के बारे में हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं? सेल एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। बहुत सारे क्वेश्चन सेल से बनते हैं, तो सेल्स का जनरली ये पार्ट वन में बना रहा हूँ, और हो सकता है ये पार्ट थ्री तक जाए, क्योंकि तो बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। एक वीडियो में गाइस टाइम लिमिट रहता है, तो मैं ज़्यादा तो कवर कर नहीं सकता क्वेश्चंस, आप भी बोर हो जाओगे क्वेश्चन करते करते, है ना। तो पार्ट वन में हम आपके सामने 20-25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसी तरह पार्ट टू में 20-25 क्वेश्चन लाएंगे। अप्रोक्सीमेट 50 के आसपास सेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जो एग्जाम्स में, खासकर जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हो और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665। ये तो डेट दे दिया, कभी कभी पूछ देता है हु डिस्कवर्ड सेल एंड इन विच ईयर, तो आपको बताना होगा। तो ऑप्शन क्या है? रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट, आपको याद रखना है किसने सेल का डिस्कवर किया है, रॉबर्ट हुक ने, कब? 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम एन ऑर्गन विच सर्व्स एज अ प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बॉडी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गॉल्गी एपरेटस। आप अगर सेल को ध्यान से देखोगे गाइस, जाहिर सी बात है आप ये टॉपिक पढ़कर आई होगे, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल अगर आप नॉलेज है तो गाइस ये वीडियो आपके लिए सही है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओगे गाइस वैसे भी दिक्कत होती है, हम जानते हैं। तो एक बार बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें आप पढ़ लें। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस हर एक टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर वाइज मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करा रहा हूँ, बट थ्योरेटिकल मैं नहीं दे सकता, यहाँ पे टाइम कम है गाइस, और मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप हमारे चैनल के थ्रू कंप्लीट कर सकें जेई के लिए, ठीक है। तो पहले सेकंड क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो हिंदी वाले हैं उनको समझा दूँ। सेकंड क्वेश्चन का मतलब है अपने बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, देखो ऑर्गन नहीं, ऑर्गेनल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कौन सा इसमें ऑर्गेनल है हमारे सेल में जो क्या करता है, एनर्जी हो चाहे जो भी चीज़ हो उसको पैकिंग करके और फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेजता है। तो ये हमारे सेल में गॉल्गी एपरेटस जो ऑर्गेनल है यही काम करता है, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस कौन है हमारे सेल का, तो अपन नाम लेते हैं ट्रैफिक पुलिस कौन है सेल का, तो आप बताते हो, इसी को बोलते हैं गॉल्गी बॉडी को ही ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम एंडोप्लाज्म रेक्टलम, ठीक है। वेस्ट सेल का जो वेस्ट जो बनता है हमारे सेल में उसको डिस्पोजल कौन करता है, लाइजोसोम। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। अगला देखते हैं, नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? यस, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल नहीं, सेल वॉल इसके अंदर होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेल वॉल होता है। नेम द प्रोसेस इन विच द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्बर, ठीक है। तो मटेरियल किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, दैट इज एंडोसाइटोसिस, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो हमारे सेल में प्लाज्मा मेंबर के थ्रू अंदर की ओर आते हैं, बट उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। विच एमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्गेनल्स, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सेल ऑलवेज क्या है, ऑर्गेनल्स ओनली नॉट फाउंड इन मल्टी, यूनिसेलुलर में भी हमारा सिंगल सेल वाले जो होते हैं उनमें भी हमारे ये सब होते हैं ऑर्गेनल्स। दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल में तो होता ही है ऑर्गेनल्स हमारे। ऑर्गेनल्स मतलब क्या, ऑर्गेनल्स मतलब क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिसाइट्स, ठीक है, गॉल्गी बॉडी, ये सब हमारे क्या है, ऑर्गेनल्स हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेम द प्रोसेस इन विच द पैसेज ऑफ वाटर गोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हायर से लोअर में जा रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है।
सेवन क्वेश्चन है, नेम एन ऑर्गेनिज्म ठीक है विच कंटेन सिंगल क्रोमोजोम एंड सेल डिवीजन अकर्स थ्रू फ्यूजन और बडिंग. यस इट इज प्रोकैरियोट्स. ठीक है प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स. अगला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस इन विच द मेंबर्स मेम्ब्रेन ऑफ अ वेसल्स कैन फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सट्रूड इट्स कंटेंट टू द सराउंडिंग मीडियम. यस एक्सोसाइटोसिस. आपको स्टार्टिंग में ही एक बताया था. नाउ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल उसको क्या कहते हैं? यस साइटोप्लाज्म. ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी हमारा प्रोकैरियोट्स है. ठीक है Which of the following statements is incorrect about lysosomes? क्या है भाई lysosomes का काम क्या है? Lysosome waste को dispose करता है, cell से waste को dispose करता है. ठीक है तो it is a member bound organs found in plant as well as animal both. Yes सही है हमारा ये. It is also called a suicidal bag. हाँ अगर वो जो भी अगर foreign particle कुछ आ रहा है उससे लड़ता है और जब उस नहीं लड़ पाता है उससे तो क्या करता है अपने आप को destroy कर देता है और साथ में पूरे cell को भी destroy कर देता है. इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है लाइसोसोम को. बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं. इट हेल्प इन सिंथेसाइजिंग ऑफ फूड येट प्रोटीन को सिंथेसाइज भी करता है जाहिर सी बात है. एंड इट एक्ट्स एज अ डिस्पैच स्टेशन. डिस्पैच स्टेशन का काम ये नहीं करता गाइस, मैं बताया था गॉल्गी बॉडी करता है. ठीक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं. प्लांट सेल में हमारा सेल वॉल भी होते हैं और दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है. बट एनिमल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है. ठीक है विच एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाई राइबोसोम इन द सेल. क्या काम करता है भाई राइबोसोम? यस इट सिंथेसाइज प्रोटीन. तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. इसका पीडीएफ वगैरह जो है गाइस आपको हमारे टेलीग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी डायरेक्ट मिल जाएगी. आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट वेबसाइट से भी आप ये सब पीडीएफ ले सकते हैं. ठीक है विच एमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेन्स इज एसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. सेल के रेस्पिरेशन, जैसे बॉडी हमारा रेस्पिरेट करता है उसी तरह सारे सेल भी रेस्पिरेट करते हैं तो कौन सा ऑर्गेन्स हेल्प करता है? यस माइटोकॉन्ड्रिया. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. सेल मेम्ब्रेन्स कंटेन सम बायोकेमिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड एडहेशन. दे आर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स. ओके अगला है हमारा अ क्लोरोप्लास्ट विदाउट सेल वॉल इज अ क्लोरोप्लास्ट विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. ठीक है विच एमंग द फॉलोइंग फंक्शन एज लोकस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट इज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है 18th important question इस topic से है guys, cell से. Which among the following are the building block of human body? किसको कहते हैं? तो building block cell को ही कहेंगे ना guys, cell से ही तो पूरा body बना है हमारा. 19th question है guys, what is the correct name of premature death of cell and living tissues? को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइक्रोसिस. ठीक है याद रखना ये चीज, important question है ये. अगला देखते हैं, in which of the following the cellular power plant that is mitochondria are absent? In which of the following cellular power plant कौन से cellular power plant है जिसमें mitochondria absent है? Bacteria में नहीं होता है mitochondria. ठीक है bacteria में नहीं होता है. A particular cell organ is sometimes referred certain enzymes that can break down the cell component or even the whole cell. अभी बताया था lysosome, suicidal bag भी कहते हैं. वो बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल से उनसे लड़ने की कोशिश करता है बट जब नहीं लड़ पाता है तो क्या करता है? अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है, सुसाइड कर लेता है. ये कौन सा है? लाइसोसोम का काम होता है ये. ठीक है गाइस सो आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो के सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे. इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां से इजिली अवेलेबल आपको मिल जाएगा. सारे के सारे पीडीएफ अवेलेबल है, कोई यहाँ पे आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, फ्री में हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे, हमारे टेलीग्राम पे. ठीक है गाइस टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पे है. रोज 7:30 बजे थर्सडे से सैटरडे आपको बायोलॉजी की क्लास यहाँ पे मिलने वाली है और खासकर टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे. चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.